सामने के पत्थर पे मुझे कोई तो जानवर नजर आया था, शायद शेर था या पता नहीं क्या था। और थोड़ी ही देर में कुछ चरवाहे पीछे से चिल्लाते हुए आए और वो जानवर कहीं गायब हो गया। आगे अकेले जाना पता नहीं कितना सेफ है। थोड़ी देर यहीं पर इन चरवाहों के साथ समय गुजारता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊँगा तो बेटर है। अभी यहाँ से 0.5 आधा घंटा रह गया, रहेगा 20 मिनट, आधा घंटा कहाँ, 15 मिनट, 15 मिनट ये तो है। ये 0.5, ये पॉइंट ये दोस्त तो होता ना आपका, शाम तक मुझे आराम से बैठते ही रहते, जाते रहते। मैं मुझे खुद को ही अकेले ही अच्छा लगता है अकेले से। हाँ, ये वो बकरी वालों ने मंगाया था कहीं, पिथड़ा कूड़ा मंगाया होगा किसी ने। अच्छा, ये इसका सब्जी से बुखार नहीं आता है, तो इसकी सब्जी भी बनाते हैं। सब्जी बनता है इसका, कड़वा होता है, फिर भी ये सब्जी बना के हाँ। इसको पहले वो करना पड़ता है, वैसे फिर खाना पड़ता है इसको, इसको छिल के खाओ, इसकी डंडी, इसे बुखार नहीं आएगा। अच्छा। सरसों के जैसा टेस्ट है। हाँ, सरसों का जैसा टेस्ट होता है। सरसों का भी मोटा जड़ खाते हैं लोग। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। हाँ, इतना ही मोटा होता है, इस तरीके के बराबर मोटा होता है, इतना ही लंबा होता है। अच्छा। इसका जड़ खींचते खींचते बहुत ही नीचे होता है, बहुत ही नीचे होता है, 2-2.5 फीट नीचे होता है इसका जड़, इतना नीचे से आता है। अच्छा, जमीन के अंदर 2-2.5 फीट होता है। हाँ, ये अरे बाप रे, इसका जड़ इतना लंबा हो, फिर इतना लंबा होगा वो। अच्छा, वो और अच्छा रहता है, जड़ निकाल लिया जिसने तो वो खा लिया। और बोलते क्या है इसको, ब्रिक 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 रिग रिग रिग। बहुत बढ़िया सब्जी खिलाई आपने। छतरी साथ में लेके चलते हैं हमेशा ना, बरसात तो होती रहती है लगातार, कभी भी बरसात नहीं हो सकता। हाँ, सब्जी हुआ है, अच्छा सब्जी हुआ। हाँ, आप उसमें होते डेयरी में होते थे, सब्जी बन जाता ना इसका, खाते के टेस्ट अलग होता है। अच्छा, तो बड़े बड़े जड़ी बूटी हुई है ना। हाँ, जैसे जैसे किसी आदमी का जैसे भूख नहीं लग रही है, लीवर लीवर खराब है, लीवर वो काम नहीं करता है, उसका भी जड़ी बूटी मिलता है यहाँ। अभी इसके बाद आप नीचे उतरेंगे थोड़ी देर में, यहीं पे लेके लेने आने वाला है वो सब्जी। हाँ, यहीं आएगा। अच्छा, अभी आवाज़ लगाया था मैंने, आ रहा है। ये नीचे से आ रहे हैं या ऊपर से आ रहे हैं? ऊपर ही जाएंगे। नहीं, नहीं, आ रहे हैं। फिर आपके फैमिली वाले घर वाले वहीं नीचे ही है, आपको देख के कर रहा है चूचू, आपको पहचान गया हो। अरे प्यार जता रहा है ये तो, इनको मिल गए जानने वाले। के लिए लेके आए सब्जी? अरे वाह, सब्जी नहीं है ये, दवाई है ये। हाँ, मुझे बताया, बुखार की भी दवाई है। सब्जी भी हुआ, ये दवा भी हुआ। पर बनाएंगे इसको सब्जी की तरह ना, ज्यादातर इसका खटाई खटाई खटाई। हाँ, बुखार के लिए भी सुखा के रोक दो, बुखार मलेरिया। अच्छा अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ पहाड़ में बोलते हैं घमजोर कमजोर। आप तो पहाड़ी होंगे? नहीं, मैं पहाड़ी नहीं, मैं तो बम्बई से है। बम्बई से आए? हाँ, बम्बई के रहने वाले। हाँ, मतलब हमारे यहाँ जो मलेरिया जो मतलब हिंदी भाषा में मलेरिया बोलते हैं। हाँ, उसका नंबर एक दवाई था, डॉक्टर कुछ नहीं बेचता, यही पहाड़ी यही जड़ी बूटी खाते हैं, इसीलिए हमें डॉक्टरों की खास जरूरत नहीं पड़ता। अरे आप तो कभी गए भी नहीं होंगे डॉक्टर के पास? बहुत कम, बहुत कम ना, ना के बराबर। कोई ऑटोमेटिक कोई फालतू बीमारी, जिस बीमारी का कोई पता ना चला तब जाएगी। वो डॉक्टर भी कुछ नहीं समझता वो बीमारी को। अब बीमारी क्या हुआ, डॉक्टर क्या हुआ, वो लगा लेते हैं, वो क्या कहते हैं, वो आजकल वो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड एक्सरा वैसे भी पता चलता है बीमारी का, तो होता है, हमारे भी ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी ना के बराबर हॉस्पिटल जाके जाते हैं, ना के बराबर ठीक भी होते हैं। हाँ, मतलब कोई चोट वोट लग गई ज्यादा तो ऐसी चोट वोट लग लुक करके, कोई टूट फूट का भी नहीं जाते हैं हम। हाँ, हड्डी भड्डी टूट गए हम घर ही में बांध देते हैं। अच्छा है, सब्जी आ गया आपका, दवाई आ गया। ये डिमांड मेरे को हल्द्वानी से है। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ है, मैं नहीं जा पाता, मैं अकेला हूँ ना यहाँ बकरियों के साथ। हाँ, अब बुढ़ापा भी हो गया, फिर ये मेरा भाई है, सचेरा भाई मेरा,
अच्छा मतलब पैसे के जगह एक दूसरे की मदद कर देते हैं। हमारा मदद ज्यादा चलता है, ज्यादा चलता है हमारे एरिया में ना। हाँ में ऐसा चलता है, कोई भी हो जैसे मकान बनाने समय हो, बालू ढोलना है, मतलब कोई भी ज्यादातर का काम ऐसा होता है, सार्वजनिक होता है। एक दो दिन का काम ऐसा होता है, उल्टी पलटी होता है सार्वजनिक। अच्छा, जहाँ पर हम लोग 10 दिन 15 दिन उसमें तनख्वाह देना जरूरी पड़ता है, जरूरी। फिर वो तनख्वाह भी मतलब ये नहीं कि मतलब जो रेट फेट लगा ये नहीं, मन मर्जी भाई साढ़ा तनख्वाह। आपकी क्या उम्र हो गई? मेरा ये 63 चल रहा है। यहाँ अभी मेरी माँ है, यहाँ 90 साल की, यहाँ 90 साल की। मेरा तो मिलवाना, मैं आऊंगा तो उनसे। अभी तो काम हम करते हैं। अरे वैसे क्या अभी तो खाली पड़वा हुआ होगा अभी तो। मैं खाया सरसों के जैसा लगा हुआ। हाँ हाँ हाँ, पीरा पीरा जा। हाँ, वो नीचे का जो डंट करता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा था वो तो। आपने हमारा दवाई खा दिया यार, यहाँ मुंबई के रहने वाले आ रहे हैं। ये तो तुम्हारा आप बदन में तो ये तो सारा इंजन पर घुस गया होगा, बिल्कुल सफाई के लिए ऐसा ही हो गया। आप मुझे साथी लाना चाहिए था, इतने सारे साथी मिल गए। अरे यार, आप साथ ही लाना था कह दिया आप लोगों ने, आप भी सयानी वैसे आप हमारे। अरे ऐसा होता है, जब जन्म हुआ जन्म नहीं आया शादी के साथ, अकेला आना अकेला जाना, मिट्टी में रहना मिट्टी में सोना, मिट्टी में खाना मिट्टी में जाना। बहुत अच्छा, सही बोला आपने। इंसान तो जिंदगी भर अकेला है, लेकिन प्रेमी है संसार के साथ। प्रेम सबसे बड़ा है। हाँ, शक्ति ही प्रेम है। प्रेम है, प्रेम ही शक्ति है। लेन देन तो पहले से नहीं हुआ हमारे यहाँ, लेन देन तो पहले ये दहेज प्रथा तो बिल्कुल नहीं हुआ हमारे यहाँ। दहेज प्रथा तो है। अच्छा, नहीं मतलब 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 कन्या का बाप लेकिन जो कुछ देना चाहता देना चाहता कर नहीं हुआ, कर कुछ नहीं हुआ, मर्जी से देता, मर्जी से जो देगा चाहे एक ही बर्तन भी देगा तो भी। अच्छा, भले क्या दो, कोई एक बर्तन दो यानी ब्योर दो कुछ दो, लेकिन कर नहीं हुआ, कर नहीं हुआ। प्लेन में कर है, प्लेन में कर है। प्लेन में कहते हैं ये दोगे, ये दोगे, दो गाड़ी दो, ये दो सो दो। हाँ, प्लेन में ये है हमारे वहाँ, ये नहीं है, ये कर नहीं है हमारे। आपके चेहरे की मुस्कान इसका आपके लंबे जीवन का राज है, हंसते रहते हो आप यार। हाँ, दुनिया तो मेरे को ऐसा ही कहता है। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, हंसते रहता हूँ। जो हंसते रहता है उसका फिर सारा मशीन सही है। तेरे बोलने से क्या फायदा है? और ठहरे हम सभी ग्वाले बकरी वाले जंगली आदमी ठहरे हम। अपना अपना जंगल का प्रयोग सभी बोलो, सभी बोलो। हाँ, पूरा बोल दिया। मेरे को ऊपर जाने का कहाँ टाइम है? आपके तो नहीं है, आपका तो बहुत टाइम है अभी। ना, ना, ना। चलो ऊपर मिलेंगे, आप ऊपर ही रुके हुए ना? आज नीचे आ गया, आज नीचे आ गया। अच्छा, ऊपर वाले अलग हैं। हाँ, आपके बकरी। चलिए फिर मिलेंगे। मैं उस 0 पॉइंट पर खलिया टॉप से भी ऊपर आ चुका हूँ, और इतना बड़ा ग्रासलैंड मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। यहाँ पल भर में फॉग आता है, पल भर के अंदर छट जाता है। ये देखिए व्यू, कमाल का व्यू है ना। आप खाना बना लीजिए, तकलीफ मत उठाइए चाय के लिए। अच्छा, आप भी बहुत यहाँ पे 1.5 महीने से वाइफ है आपके? अच्छा, 2 महीना हो गया यहाँ पे आपको? बहुत समस्या खराब है। बड़ी मेहनत है आप लोग की तो, बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हैं। बहुत, ये चीज है सबसे ज्यादा अमूर्त, मतलब लकड़ी और पानी और भेड़ बकरी के लिए गाय तो हुआ है खाने के लिए। भेड़ बकरियों को समस्या नहीं है यहाँ, आपने बोला आदमी के लिए समस्या है। आदमी के लिए समस्या है। ये पानी फिर कहाँ से भर के लाते हैं? पानी के बहुत समस्या खराब है यहाँ।
हाँ, तो नीचे बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर से। हाँ, हाँ, वो नीचे जो रहते हैं तीन चार, ऊंचा टॉप है ये, पानी कहाँ से निकलेगा यहाँ? हाँ, तो नीचे गधेरे में जाना पड़ता है, बहुत दूर है यहाँ पानी। अरे बाप रे, चाय मिल गई, बहुत अच्छा हो गया। ज्यादा ठंडा हुआ, अच्छी है। अच्छा, तीन कुत्ते भगा देते हैं, शेर आए तो, शेर आए तो नहीं देखना, नहीं देखेंगे तो वो उसे पकड़ के ले जाएगा बकरी। हाँ उसके बाद अरे ये होता है। पर बहुत अच्छी जगह पे आपकी बहुत सारी बकरियां हैं, तो सारी आपकी ये वाली? हाँ, दो आदमी का ही, दो आदमी का है, दो आदमी का। कितना होएगा ये? करीबन होगा 350-350 ऐसे होगा। हाँ, ये भेड़ी भेड़ है, मतलब बकरी पले तरफ गए 250। अच्छा, दूसरा आदमी गया, अरे चराने के लिए गए, चराने के जंगल में गए, अभी अभी निकल जाएगा थोड़े देर में। पहाड़ों में जानवर भी दिखा आपको कभी? हाँ, क्यों नहीं दिखा, दिया जानवर होते हैं सभी, भालू होते हैं, बाघ, भालू, बाघ और गुरौड़, कस्तूरी। अरे आपको भी दिखते रहते हैं? हाँ दिखते हैं, मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुँचा? नहीं नहीं, भालू मतलब बाघ, शेर तो मतलब बाघ तो करता है नुकसान। हाँ, तो और से नुकसान नहीं करता। अच्छा, वो तो रात में भी आ सकता है बाघ तो। बहुत सुंदर जगह पे रह गए हैं, यहाँ का 360 डिग्री व्यू है, ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह है। भेड़े और बकरी कहाँ पे चल रही है? अच्छा, ये वहाँ तक चले गई और फिर इनको वापस लेके जाना होगा तो? हाँ, अभी बात। अरे जबरदस्त, इसको पंगली से करा। ये तो अभी रही आपकी सिटी से सारी वापस आ रही है। बड़ा आराम है आपको। आराम घेरा सबके पास मिलेगा ये? हाँ, सबके पास, छतरी भी और ये भी, ये भी, ये बस इतना तो अन्य वाले ठहरा ये सेफ्टी के लिए ना। हाँ, अभी आप नीचे कब जाएंगे? हाँ, मैं भी कोई एक जगह देख के टेंट लगा देता हूँ वहाँ पे। टेंट लगाओ तब तक। हाँ जी, वहीं आगे। नमस्ते अम्मा, आपके बारे में बताया उन्होंने। 90 साल उम्र हो गई? अरे वाह। और यहाँ पे रहते हो अकेले जानवरों के साथ? बकरी संग, बकरी, बकरी संग आए। अच्छा, हाँ, खाना आप ही बनाते हो? चाह, चाह, चाह पीता हूँ आज। बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं? चाय बना रहा हूँ। चाय बना रहे? अच्छा, वाह वाह, काली चाय? हाँ, यहाँ पे तो दूध कैसे है, बस मेरे को थोड़ा सा कम शक्कर डाल अगर होएगा तो। कम? आप अम्मा के साथ आए? हाँ। और आपकी बीवी? घर है अभी, है वो? अच्छा, परिवार नहीं है, खाली अम्मा और आप हो? हाँ। अरे बहुत कम देना मुझे, थोड़ी सी बिल्कुल। चाय खराब हो गया, अभी बनाते हैं चाय। अरे कोई बात नहीं, रहने तो, मैं वैसे भी नहीं पीता चाय, कम ही पीता हूँ। दूध लाया था ना मैंने। कहाँ से? ये पल्ले कमरे से दूध। अच्छा,
तो चलते वक्त 6 महीने की तैयारी करके चलते हैं सारी की सारी। हाँ ये सही होता है, क्योंकि नीचे तो पता नहीं कितनी सर्दी पड़ती है, यहाँ शायद ज़्यादा पड़ती होगी नीचे के मुकाबले। गाँव के लोग अच्छे होते ही है काफ़ी, पर यहाँ के और ज़्यादा अच्छे हैं। महाराष्ट्र भी देखा, महाराष्ट्र में भी अच्छे हैं। इनको देखिए, एक बार चाय खराब हो गई फिर भी दोबारा से चाय बनाने। आज आपने क्या खाया खाने में है? आपने क्या खाया खाने में दादी? क्यों खा, चावल खाया क्या? कम सुनते हैं ना थोड़ा। अच्छा, थोड़ा कम सुनते हैं। हाँ, ये उम्र में हो जाता है। आपकी उम्र 55 और दादी की उम्र 90। हाँ, मेरी उम्र, हाँ उधर मेरे 50 हो रहा है। अच्छा, आपके और भी भाई है क्या? भाई मेरे से बड़ा था, नहीं अब गुजर गया। गुजर गए। वो कितने साल के थे? वो करीब 60 से ऊपर के होंगे। अच्छा, बच्चे हैं उसके, बड़े बच्चे हैं मेरे बराबर के बच्चे। चावल किसके, दाल के साथ खाया आपने? हाँ। अरे वाह। दादी आप पूरा दिन क्या करते हो यहाँ पे? पूरा दिन क्या करते हो बोल, उठे दिन के कौन सा बोल यहाँ? खाना पीना बनाते हैं। वो पीस के आप क्या डाल रहे थे उसके अंदर? काली मिर्च, वो लौंग फूल था, लौंग इलायची, लौंग फूल इलायची। ये तिमूर हुआ, ये काली मिर्च टाइप का होता है, ये तिमूर हुआ ये। अच्छा, काली मिर्च नहीं है? पर नहीं है, नहीं है काली मिर्च नहीं है। ये भी मुंह में डालकर झनझनाट होती है, इसे जुकाम नहीं लगता है। अच्छा, ये जुकाम लगा है जिसको, तो जिसका ना मुंह बह रहा है, जिसको खाओ तो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये चाय में ही डालते हैं हम इसको, और मुंह में डालेंगे तो झनझनाट होती है। डाल के देखो, एक एक डाल, एक ज्यादा नहीं। अरे वाह, ये पहाड़ की, ये पहाड़ का चीज हुआ। हाँ, जनजनाट तो हो रही है। अच्छा है तो। ज्यादा दूसरे ने खाया तो ज्यादा नहीं खा पाता है, हम तो खा लेते हैं ज्यादा। हाँ, अगर करा भी ऐसा ही होता है क्या? हाँ, पूरा सुन्न हो जाता है, जनजनाट होती है, होता है मुंह पानी बंद हो जाता है। एक दाने से तो कुछ नहीं होता है, एक दाने से। हम तो 5-6 खा रहे हैं। अरे बच्चे, ये तो सूखा है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, ये तिमूर ना दवाई है। अच्छा, दवा सारा दवाई ठहरा इसमें, हम जो भी खाते हैं दवाई डाल। अच्छा, दवाई हुआ हमारा तिमूर हुआ, ये चीपी हुआ, ये चीपी खाते हैं। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, इसमें तो बहुत मसाले डाले। इसमें खाने में हम जैसे चीपी का प्रयोग करते हैं, चीपी का चीपी है। चीपी क्या होती है? गंदराणी पसंद तो नहीं है? नहीं नहीं, गंदराणी का प्रयोग भी करते हैं खाने में। अच्छा, सारे मसाले लेके चलते हैं नीचे से। नहीं होता है जंगलों में, ये हुआ गंदराणी। अच्छा, ये खाने में ये उसी भी खा सकते हो, इससे आपको ये खांसी नहीं होगी। अच्छा, ये मुलेटी की जैसा है, ये खांसी नहीं होगी, इसको भी खा सकते हो आप, बहुत अच्छा टेस्ट होता है ये। अच्छा, मीठा रहता है? हाँ, मीठा होता है ये, अच्छा होता है, मतलब बहुत शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। उससे तो बहुत बढ़िया झनझनाहट होगी पूरे मुंह में। झनझनाहट नहीं होती है? नहीं होती है। इसको भी खा सकते हो? अच्छा, मैं खा के देखूं। अभी टेस्ट कर लो, हर चीज टेस्ट करना। जब पेट में गैस्ट्रिक है, हाँ बंद हो जाएगा, खांसी हो रही है, खांसी हो रही है आपको, ज्यादा खांसी हो रही है, इसको खाओ, खांसी बंद हो जाएगा। ये तो दाल में भी डालते हैं? दाल में भी डालते हैं। हाँ, दाल में टेस्ट होता है इसे, दाल अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया ठहरा। ये तो बुखार में भी काम लगेगा, खांसी में भी काम लगेगा, पेट दर्द में भी काम लगेगा। ये 10-12 हजार रुपए किलो का है? हाँ, केजी का है। अरे बाप रे, बड़ा महंगा है तो। अच्छा, लाइसेंस लगता है इसके लिए? लाइसेंस लगता है। ये तो हम बकरी वाले हम तो निकाल लेते हैं खाने के लिए, घी यूज के लिए, जो बिकने के लिए तो लाइसेंस। हाँ, 10-12 हजार रुपए किलो की चीज है तो फिर लाइसेंस। घरेलू भाषा आपको जानकारी है बहुत ज्यादा, वहाँ से जंगल से आपने थोड़ा। हाँ, हुआ ही थोड़ा, दवा तो जंगल में पूरा यही मिलता है। क्या खाओगे, रोटी खाओगे? कुछ भी खिलाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं बता, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप थोड़ा बहुत ही अगर कुछ बना होगा तो चल जाएगा। तो चाय से भी हो गया ऐसे तो। ऐसा क्यों होता है आप हमारे सामने, हम भी तो कहीं जाते रहते हैं बाहर, ऐसा हमारे, हम ऐसा नहीं सोचते ना।
कुछ भी, चावल भी चल जाएगा, रोटी भी चल जाएगी, जो होएगा वो चल हम जाएगा। हम तो ज्यादातर शाम को रोटी खाते हैं। तो रोटी तो बहुत ही अच्छी है। हम तो रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल कम ही खाते हैं। हाँ जी, जरूर रोटी भी, रोटी तो बहुत अच्छी है। रोटी डाल देंगे। किसकी सब्जी बना रहे हो आप? सब्जी बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया है, अभी माँ ने बनाया। अच्छा, दादी ने बनाया। अरे वाह, पानी वाला बनाया है अभी। अरे चलेगा, अच्छा चलेगा वो तो, ठीक है। ये तो बहुत है। हाँ, ये कटोरी में सब्जी ला देंगे, दो चार रोटी ला देंगे, खा लोगे। बस दो रोटी बहुत है। आप भी यहीं सोते हो? हाँ, यहीं सोता। अरे वाह, बहुत मजबूत बनाया आपने, अच्छा बनाया हुआ है। फिर छह महीने बाद जाते हैं, छह महीने के बाद फिर अभी हम यहाँ दो महीने रहेंगे। हाँ, उसके बाद फिर बीस में रहेंगे, फिर दूसरी जगह रहेंगे। अभी तो आठ महीने तक हम जी जंगल जंगल ही रहेंगे। अच्छा, एक दो महीने, दो तीन महीने रहते हैं घर में, और ज्यादा जंगली में। तो अगला या तो यहाँ जाएंगे पल्ले साइड। हाँ। या तो इस साइड से यहाँ, इस साइड जाएंगे, जंगली में रहेंगे। अरे, तो तीन महीने खाली घर पे रहते हैं? हाँ, दो तीन महीने खाली घर में, जब बर्फ गिरने, ज्यादा बर्फ गिरेगा जब। अच्छा, तब की परेशानी होती है घर में, कम गिरता है वहाँ। यहाँ पे मतलब जब घास कम हो जाएगी तो आप फिर जहाँ घास होगी उस तरफ के लिए बढ़ जाएंगे। घास होगी वहाँ। फिर भी आपका ऐसे अंदाजे से साल का आपका कितना निकल जाता होगा इसके अंदर? एक डेढ़ लाख रुपया बन जाता है। अच्छा, अपना परिवार चल जाता है। परिवार चल जाता है। हाँ, ठीक। ज्यादा क्या निकलता है वैसे तो कुछ नहीं, पर वही जितनी ज्यादा मेहनत है उस हिसाब से उतना नहीं बचता है। मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। हाँ, साल भर में क्या हुआ, 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख अपना परिवार चल जाता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चल जाता है, ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, बस बस, ज्यादा लंबा उठाने से तो कर सकते हैं वैसे तो। हाँ, लेकिन करना नहीं, हम आराम से चल रहे, ठीक ही। नहीं, आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको भी रात ना आने जाना कुछ नहीं, हम तो यही दो आदमी हैं, पहुँचा देंगे आराम से। कोई तो आदमी ऐसा सोचता होगा खिलाना पिलाना, ये तो क्या है, खाना ही तो है। हाँ। इसमें हम कुछ नहीं लगाते हैं, हमारा घर में खेती बाड़ी सब कुछ हुआ। हाँ, अच्छा। हाँ, घर में घर वाले हमारे खेती करते हैं भी। हाँ, घर में हुआ, वहाँ घर में खेती है, हल्दी मिर्ची इधर उधर ये खरीदना है, कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। जो खेती है वो आपकी वाइफ करती है? हाँ, वो करती है, बीच में मैं भी जाता हूँ, जब रोपाई लगाना है ये जब ज्यादा हार्ड काम है तो तब हमें, तब आप बीच में चले जाते हैं। इसमें पानी है बाहर? नहीं नहीं, रहने दो, आप बैठो, आप तो बैठो, एक तो है नीचे जाके ऐसे ऊपर से पी लेता हूँ। बर्तन तो है लेकिन बर्तन बाहर रह गए। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं है, तो ऐसे भी पी लूंगा मैं। बोलो बोलो, वही पानी है ना, कुछ जगन लगा सो बोले ही बला ल डार पे बैठ ला, कुछ जगन ले बोलो बोलो, ये नहीं खा लेना। अच्छा, इसमें खाली कर दूं पूरा का पानी, खाली गिला गिला सन गिला ही गिला, इसमें अब निकाल लो। ओ नहीं, इसमें निकाल लेता हूं गिला से यार, बैठ गिला बाहर रख लेना। नहीं कोई बात नहीं, इसमें ठीक है, चल जाएगा। लकड़ियों में भी परेशानी आती होगी आपको लाने में? नहीं, यही नजदीक मिल जाती है ऊपर, 0 पॉइंट में परेशानी है उन लोग को, वो पानी भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है उनके पास। नहीं नहीं, रोटी तो बनाएंगे, आपकी तो रोटी ऐसी कि शादी भी खा लो ऐसे ही, इतना अच्छा रोटी दिख रहा है, वो बिना सब्जी के भी अच्छा लगेगा। जब रोशनी हो जाती होगी तब तो जानवर निकल जाता होगा, रोशनी में जानवर कम रहता है शायद, अंधेरे में ज्यादा निकलता है। हाँ, गाड़ी रखा है? हाँ। आप एक गाड़ी लेके आए हो? मोटरसाइकिल भाई। हाँ जी, मुंबई से? नहीं, यहाँ से ऋषिकेश से किराए पर ली। किराए, किराए में मिल जाएंगे भाई, भाई। हाँ, अब कहाँ, अच्छा किले चीज किराए में मिल जाए, ये टेंट है, ये है बिस्तर है, हर किराए में मिल जाता है? मिल जाता है। हाँ। आजकल तो घर से थोड़ी लाते हैं। हाँ, फिर भी आपने ये टेंट लेके आए होंगे? हाँ, टेंट और सोने का मैं लेके चलता हूँ, ताकि कोई भी जगह अच्छी लगती है तो फिर मैं रुक जाता हूँ। टेंट उसमें बारिश वगैरह भी नहीं आती, वो अंदर से बाहर से। घर तो बहुत दिनों के बाद पहुँचा के लिए। हाँ, क्या देखने आई हो, रोटी? रोटी खाया, रोटी। तुम तो दिन भर घास खा के आई हो, अभी रोटी भी खानी है सबको। क्या दे रहे हो दादी इनको? गई गई गई। अच्छा, रात में ये सबको अंदर कर देते हैं।
चलो अंदर तुम्हारा घर कर दी। एक 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 घर के अंदर कितनी आती है? ये घर का 25 बंदे आते हैं। अच्छा हाँ, रात में बाहर रहेगा ये वाले जो है। हाँ। और जो अंदर जिनको किया है वो कच्छेली ठहरे हुए, वो बारिश नहीं सहन कर सकते हैं। वो बकरी है, ये भेड़ है? ये भेड़ है। भेड़ बाहर रहते हैं, बकरियां अंदर है डालनी पड़ती है। सारा एक हो रहा है। ये तो बहुत सारी रोटी ले आया अब। चार रोटी तो नहीं, चार तो बहुत ज्यादा हो जाती है, दो ही बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ की रोटी अच्छा होता है। अच्छा होता है, मैं दो ही खा सकता हूँ, दो से ज्यादा मेरे लिए भारी हो जाएगा। आप तो इतनी दूर से लेके आए रोटी, वही बड़ी बात है। अंधेरे में और कहाँ से आए? अरे बापरे भैया, एक ले जाइए, फिर भी मेरे लिए बहुत सारी हो जाएगी। रोटी तो बहुत स्वाद दिख रही है। घी लगाया है, पहाड़ी घी। अरे वाह, फिर तो अच्छा है, फिर तो मैं ले भी जाऊंगा, खा भी लूंगा यही रोटी। वाह, खा लोगे आप? और अंधेरे में इतनी सारी चीजें लेके आए? हम तो यहाँ से वो उधर भी चले जाएंगे। हम तो कहाँ? वो उधर वाले साइड में, वहाँ भी आदमी पे। अच्छा रोटी तो रुखी अच्छी लग रही, सब्जी की ऐसे बहुत ही बढ़िया। भैया ये पहाड़ी रोटी ठहर रही है, ठंडे जगह ठहर रहा, बहुत कमाल का खाना है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा बैठो ना अंदर, आ जाओ ना, मैं टीवी को ठीक हुआ है। बहुत कमाल का खाना मिला है आज तो। ये सब्जी किस चीज की है? आलू। बुढ़िया दादी ठहरी ना ये, उन्होंने बनाया। टेस्ट कुछ अलग ही आ रहा है, अच्छा आ रहा है बहुत। सब कुछ डाला होगा बुढ़िया ने, लहसुन भी। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इतना मेहनत से कहाँ से सामान लेके आते हैं आप लोग। भालू यहाँ तक आता है क्या? नहीं तो आज तो कुत्ता है। अच्छा, कुत्ते की वजह से नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पहली बार आए हो। हाँ, मैंने सोचा था दो रोटी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, पर ये तो खत्म ही होती जा रही है। अरे ठंडे में ज्यादा खाया जाता है, स्वाद ही इतनी है। रोटी तो मैं घर में भी मैं दो से ज्यादा नहीं खा सकता हूँ। यहाँ पे इतनी मोटी रोटी थी और इतना उसके बनी हुई थी, चार रोटी खा जाऊंगा मुझे भी नहीं पता था। मेरे घर में तो यकीन नहीं करे कि चार रोटी इतनी मोटी मोटी खा के। मेरी इच्छा थी कि शेफर्ड के साथ कुछ दिन बिताने की, उनकी लाइफ देखने की, उनको जानने की, क्योंकि मुझे लगता है कि असली एडवेंचर यही करते हैं। इनकी लाइफ बहुत मुश्किल वाली होती है, ये लोग ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, या फिर हमें पता भी नहीं होती कि ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है, पर ये लोग जाते हैं मजबूरी में जानवरों के साथ। और रीज़न कुछ भी हो, शायद ये जगह एक रीज़न है उनके चेहरे पर मुस्कान का। इतनी मेहनत के बाद भी ये सारे चेहरे खिलखिलाते हुए हैं। वो जो दादी है वो 90 साल की है और अभी भी सारा काम करती है, जानवरों को संभालती है, खाना सारा घर का बनाती है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं और दिल के बहुत साफ है। किसी अजनबी को ऐसे इतना हेल्प करना, अपने घर की लाइट वो मुझे दे रहे थे, अपने घर से खाना बना के देना, 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर आकर के खाना सर्व करना, और उनसे जितना हो सकता था उससे बहुत बढ़ के उन्होंने मेरे लिए किया है। बाहर वो कुत्ता लगातार भौंक रहा है, तो मतलब कोई ना कोई जानवर है आसपास। टेंट को ऐसे ही छोड़ के मैं उन शेपर्ड्स के साथ में सोने के लिए जा रहा हूँ अभी। टेंट में यहाँ पर इतनी दूर अकेले सोना भी सेफ नहीं है। मैं भी इतनी दूर जाके, आधा किलोमीटर दूर टेंट में सोने वाला था। आखिरी टाइम पे मेरे को ध्यान आया कि
आपने बोला ना कल भी शेर आया था परसों भी आया था उन्होंने बताया हाँ। तो मैं बोला इतना फालतू बहादुरी दिखाने से अच्छा किसी लोगों के साथ सो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा फिर जैसे लकड़ी में बनता है ना खाना हाँ वैसे गैस में नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुझे भी जो घी दिया बहुत ही अच्छा था वो घी रोटी रोटियां भी बहुत अच्छी बनाई थी। कम तो नहीं हुई है ज्यादा ही हो गई मैं एक खाता था वैसी वाली पर चार खा गया वो तो मैंने खाया दो ही खा रहे थे मैंने कहा सात दे देते हैं दिन भर भूखे ठहरे वो अच्छी इतनी थी कि खाते ही पता ही नहीं चला। अब ये जंगल में ऐसे ही होने वाला था जीतो बकरी वालों के साथ कंटिन्यू चलता है। अच्छा तो बकरी का दूध भी निकालते क्या? नहीं निकालते हैं भूतिया लोग निकालते हैं अच्छा नहीं मानते हैं बकरी के उसी का मीट भी खाओ बोटिया लोग तो नहीं भैया। बकरी का घी 5,000 रुपए किलो घी वाइस का था अरे 5,000 के किलो और आप बिल्कुल भी नहीं निकालते घी अच्छा हाँ। इसका घी जो बनाते हैं वो 5,000 रुपए किलो अगर गठिया हो जाता है तो फिर बकरी का घी इस्तेमाल करते हैं उससे मालिश करे तो सही हो जाता है। आपको अंकल कितने साल हो गए होंगे बकरियां यहाँ लाते लाते? इसी तो हो गया मेरे को 18-20 साल। अच्छा 20 साल से निकले हुए और घर में कितने महीने रहते हो? कहाँ रहते हैं घर में बकरी के साथ तो घर में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा तो 12 महीने आप बाहर? बस 12 महीने बकरी के साथ तो बाहर बाहर ही हुआ। अरे थोड़ा हिमंत में थोड़ा हो गया ना बड़ा गिर गया घर के नजदीक ये बाहर बहुत ज्यादा मेहनत है बकरी में। अरे बाप रे शेर से बचाना भालू शेर से बचाना हिमंत बर्फ से बचाना ब्रह्मा भी रह जाते हैं ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है ब्रह्मा रहते हैं लेकिन खाने के लिए जरूरी चाहिए। हाँ बर्फ में फिर क्या खाने को मिलता है इनको करना पड़ता है जंग पेड़ काटना पड़ता है कलम टाइप के करते हैं ना। तो बर्फ के टाइम तो पहाड़ पे लेके नहीं जाते होंगे ना बर्फ जब खत्म हो जाती है तब लेके जाते होंगे। बर्फ नीचे तक गिरता है तो हमारे वहाँ बिरती फॉल है वहाँ वो नीचे तक गिरता है बर्फ 2.5 फीट का बर्फ गिरता। पर आपको ये सब घूमने में जाने में इनके साथ में बहुत सुंदर सुंदर नजारे नजर आते होंगे प्रकृति के तो ये इंसान से बहुत दूर है और गंदगी से बहुत दूर है साफ सफाई वाले वो सब जंगल में हुई है। हाँ जंगल में ना वातावरण बहुत शुद्ध मिलता है आपको। पर आपको इतनी जानकारी जड़ी बूटियों की कहाँ से मिली है? आप ऐसा हुआ ना जैसे मुझे पता है हाँ जब दूसरे आदमी को भी पता ठहराइए बुजुर्गों से भी पता चलता है इधर से भी पता चलता है बकरी वाले एक दूसरे को बताएंगे पहले ये जड़ी बूटी इसमें काम लगता है इसमें लगता है ये इसमें लगता है इसमें अच्छा एक दूसरे से पूछ पूछ के कितने दवा सर्प काटता है काटता है। अच्छा सांप काटने की भी दवा मालूम है पूरा ही मालूम थे लंगूर टाइप का होता है। अच्छा लंगूर टाइप का रहता है वो खतरनाक होता है बहुत ही खतरनाक होता है शेर से भी ज्यादा खतरनाक आएगा शेर से भी ज्यादा खतरनाक। और आपके आसपास के रीजन में शेर होता है ये शेर और भालू शेर और भालू। अच्छा जैसे वहाँ जोहार में थुरवा होता है थुरवा होता है जहाँ से ये बकरी लेटरिंग नहीं करते हैं वहाँ से हाथ डालेगा वो सारा आते निकाल लेंगे। अच्छा थुरवा थुरवा मतलब जंगल का जानवर है जानवर हुआ ये लंगूर टाइप का होता है लंगूर टाइप का होता है ये लकड़ी का कोयला है अच्छा हमारे वहाँ लकड़ी का इससे सारा हुक्का जल जाता है। अब ये आदि हो गया ना तंबाकू हाँ हुक्का भी बड़ा जोरदार है इनका तंबाकू अब ये तो हर कहीं चलता है तंबाकू अरे धुआं भी आने लग गया इसका तो बड़ा जल्दी आ जाता है धुआं। अरे सही में ये तो और आप लोग तो जहाँ से पानी निकल रहा है झरने का वो पानी पी रहे हो उससे ज्यादा तो फिल्टर पानी मिनरल वाटर और कोई होता ही नहीं है बिस्लरी वगैरह सब बेकार है उसके मामले। तो ये झूठे बर्तन बाहर क्यों नहीं रखते रात में? ये भूमि ठहरे भगवान
अच्छा मतलब प्रकृति में कुछ गंदगी नहीं जानी चाहिए अपने घर से, इसलिए जो बर्तन भी झूठे होते हैं वो कमरे के अंदर ही रहते हैं। यहाँ जो बैठे हम भगवान के भरोसे, उसी के भरोसे से बैठे, वही ऊपर वाले के भरोसे से। फिर बकरी भी ठहरे हमारे पास, गाय भी लाते हैं हम, यहाँ नमक कमा देते हैं, बाहर ही रहते हैं कोई वो नहीं। अच्छा बकरी के लिए नमक भी लेके आते हो? हाँ नमक खाते हैं हमारे, बस 4 दिन में नमक देना पड़ता है चौथे दिन। अच्छा भेड़ को भी बकरी को भी? हाँ भेड़ को बकरी को गायों को भी पत्थर में देते हैं, पत्थर में। अच्छा पत्थर पर लगा देते रख देते हैं, डाल रख दिया, रख दिया पत्थर पर, पत्थरों में। हाँ। रख दिया जाता जाता जा, कुछ ना खाते रहते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मेरी तो इतनी मदद की है, दो रोटी तो ये हम तो खाते ही। दिन तीन दिन बैठ जाओ हम आपको खिलाते रहेंगे, कोई बात नहीं है। जैसा भी है हमारे पास रूखा सूखा है, आपने ये नहीं सोचा है ना, आपने ये नहीं सोचना है कि भैया मैं इनका खाली खाली खा रहा हूँ, सुनना ही नहीं है, सोचना भगवान की पास शादी है, देने वाला तो वो है ऊपर वाला, हम खिला रहे हैं, हम किसी को क्या खिला सकते हैं, देने वाला तो वो है ऊपर वाला ने हमको हाथ दिया, पांव दिया, आंख दिया, कोई तकलीफ नहीं दिया, शरीर दिया, हम कमा रहे थे तब खिला रहे हैं, हम कुछ दिया ही नहीं होता हम कहां से खिलाते हैं आपको। क्या पता हमें ऊपर वाला आपके बेस में मिला हो यहाँ पे, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि कौन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मैं अकेला निकला वहां से और कौन आगे से मदद करने के लिए आएंगे। तो ऊपर वाला जब जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई तो रूप लेके आते ही है, ऊपर वाले की कृपा है ये। हम कहते हैं ना ये तो हमारा सोच है, जो सबसे घटिया आदमी है वो सोचता है मैं इसको ये दे रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, मैं नहीं खिला रहा हूँ वो खिला रहा है ऊपर वाला। मैं एक समय बकरी चला रहा था नीचे, एक मेरा इतना बड़ा बड़ा बकरी था, बहुत मोटा तकड़ा काला, मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, ऊपर को ला रहा था, तो मैंने कहा यार ये हो गया कि कुछ होने वाला है बकरी को, मुझे आपको होने वाला है। हाँ मैंने सोच दिया था। हाँ। तो मैंने कहा यार इसको ऊपर लाना था, ये तो बहुत तकड़ा है ये, उतने कहीं मैंने कहा ये सोचा कि यार इसको नहीं लाना है, चलो यहाँ रहता है। उतने कहने में आवाज आ गई, इतनी बड़ी आवाज आई, वो बकरी 5 मिनट भी नहीं लगा खत्म हो गया। कैसे आवाज आ गई ऊपर से, पता नहीं किसकी आवाज है, कहाँ से आई हुआ ऐसा भी। कभी आवाज भी लगाते हैं जैसे मेरे नाम, मुझे मेरा नाम जंगल में तो कोई आवाज भी लगा देता है, जंगल में आपके नाम की आवाज लगाई किसी ने पीछे लगा देता है, धन सिंह की लगा देता है, कभी होता है मतलब आवाज लगाते हैं। अच्छा। जिस दिन बकरी मरा मैंने एक बड़ा वी टाइप का आवाज है, इतनी बड़ी आवाज आई तो बकरी मतलब 5 सेकंड भी नहीं रहा खत्म हो गया। 1 साल पूरा अकेले रहे यहाँ पे? 3 साल। 3 साल अकेले, एक भी और कोई दूसरा ग्वाल कोई नहीं? कोई नहीं ठहरा, ये लोग तो आज अभी के साल आए यहाँ। अच्छा। हम अकेले रहते थे यहाँ, ये नहीं रहते हैं ये। हाँ। ये दो लोग। हाँ। वहाँ रहते थे मेरे बकरी। अच्छा। इसमें मेरा बकरी एक कठेली। हाँ। इसमें मेरा डेरा ठहरा। अच्छा ये पूरा आपकी का बनाया हुआ है? मतलब फिलहाल उधर हम नहीं बनाया फिर इसको। हाँ। फिर उसके बाद तो एक साल अकेले रहे आप यहाँ? 3 साल। तीन साल। अरे बाप रे, वैसे तुम्हारा बड़ साल चमकने वाला था, बिजली आने वाले थे ऊपर से, वैसे बरसात ठहरी बस, मैं अकेला केवल एक कुत्ता ठहराई। अच्छा। मैंने और कितने जानवर थे तब आपके पास? मेरे पास हमेशा 80-90 जानवर थे। जब आप रोज जानवर अंदर करते हो तो गिन के करते हो? हाँ गिन के करते। अच्छा। गिन के भी करते हो, वैसे मुंह से भी मतलब। हाँ। नहीं ये कर गया पता चल जाता। तो 3 साल डर नहीं लगा अकेले रहने में? नहीं कहाँ डर, मतलब जैसे रात होने लग गई तो भालू आ जाने वाला ठहराया, गाय को पकड़ के ले जाने वाला, तब मैं यहाँ से तुम्हारा ऐसे लकड़ी का आग जला हुआ फेंक देने वाला ठहरे, कुत्ता भी भूखने वाला ठहरे बस। तो मैंने कम से कम 25 दिन में 25 दिन मैं एक आदमी मिला मेरे को वे धार में, मैंने ऐसा सोचा कि जैसे भगवान आए वैसे सोचा, कोई नहीं ठहरे 25 दिन तक तो
आदमी के निमता मक्खी तक भी नहीं देखा। जानवरों के पीछे जानवरों के, आजकल तो मुझको कोई डर ही नहीं लगता है। मैं तो बस टन जंगल में भी सो जाते हैं बकरी के साथ। आपको पता ही है। हाँ, देखा मैं आज जंगल में सोए हुए थे। आदि हो गए ना हम जंगल। हाँ। कम से कम 35 साल हो गया हम। हाँ। यहाँ से जाएंगे उधर है हमारा छप्पर। हाँ। वहाँ बीरभन्या नाम का जंगल है, फिर वहाँ से हम काला मुनि में भी मेरा छप्पर है, भैंस है वहाँ। अच्छा, बुढ़िया रहते हैं भैंस के साथ। हाँ, आपकी बीवी भैंस के साथ में काला मुनि रहती है और आप बकरियों के साथ यहाँ रहते हो। खलिया टॉप, खलिया टॉप पे 0 पॉइंट रहने वाले। अरे अब मैं जाएंगे अशोक के महीने का। तो बीवी से मिलना होता है आपका कभी? नहीं तो कभी नहीं। अरे बाप रे, अब हम यहाँ से काला मुनि जाएंगे। हाँ। अशोक के महीने जाएंगे। हाँ। तो अब बुढ़िया घर में खेती बाड़ी का काम करना है, घास काटना है। हाँ। भैंस के लिए है सब, बुढ़िया घर चली जाएगी वहाँ से। अच्छा, तो मैं काला मुनि रहेंगे ये मंदिर में जब तक इतना बर्फ नहीं पड़ता। 2 साल हो गए घर नहीं गया। 2 साल से घर नहीं गए। तो जब बर्फ रहती है तो क्या खाते हैं फिर बर्फ के टाइम पे? तो गाँव भी नहीं जा सकते सामान लेने के लिए। मतलब घास, उनके लिए घास के लोटे बनाते हैं। हाँ। आपके यहाँ भी तो बनाते हैं, वहाँ तो वो वहाँ चिल वो होता है, वहाँ क्या कहते हैं वो। आप खुद क्या खाते हैं उसमें? हम अगले कारण सारा देखो, ये है ये ये ये। अच्छा, ये वहाँ नमक है, यहाँ नमक है, ये। हाँ। बस ठोस सारा तिल है, चीनी है तुम्हारा, बस हल्दी मिर्च तुम्हारा, बस चावल तमाकू ये। तो बरसात तो दो, बर्फ तो 2-3 महीने पड़ती होगी ना लगातार? जनवरी तो... से मतलब दिसंबर से पड़ जाता है बर्फ। तो 3 महीने का सामान साथ में लेके चलते हो? साथ में आजकल तो बोलती जर वाई मशीन। हाँ। एक दिन भी खाली मतलब बर्फ नहीं आया तो वो मशीन लग जाता, रोड खुल जाता है। हाँ। गाड़ी के रोड ना मुंशारे के लिए। हाँ। वो खुल जाने वाला था। हाँ। हमको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। फिर हम गाड़ी में बैठे सीधा मुंशारे गए, जो उसी गाड़ी में राशन देगी उसी समय काला मुझे। अरे वाह। हाँ, ये चलो ऐसे किस्म का है। हो क्या कह रहे थे, शेर आएगा तो? हम हाँ, शेर आएगा तो क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। अच्छा, नहीं वो आग की रोशनी का क्या बोल रहे थे? मतलब जैसे ये जला हुआ लकड़ी है ना, ये। हाँ। ये। हाँ। जला हुआ है ये, जब शेर आ गया ये लकड़ी डाल दो, मतलब आग वाला लकड़ी, आग वाला। अच्छा, फेंक दो तो भाग जाए। अच्छा। और उसकी आँख चमकती है? आँख चमकती है, लाइट से चमकते है ना, जैसे ये पार लाइट लग रहा है तो उसकी आँख चमक जाती है। अच्छा, दूर से शेर की आंखें दिख जाती है रात में। कोई जानवर निकला अभी बाहर से। रात के 2:15 हो रहे हैं, कोई जानवर है। अभी सब उठ गए। मैंने भी निकलते हुए देखा जानवर। हाँ, एकदम से निकला है वो कुछ तो। हाँ, यही अपने सामने से निकला है वो। निकला देखो, उसकी आँखों में लाइट आ रही है। अच्छा, लाइट आ रही है। हाँ। शेर है। हाँ। ये दानो
सब शेपर्ड्स लाइटें दिखा रहे हैं। दूर देख रहे सो यहाँ से निकले नहीं आई यहाँ से नहीं यहाँ तेजी के साथ निकला बीच में से वे उधर जा रहे हैं भेड़ें तो पूरी ना अपनी निकल गया आगे आप चिल्लाए ना एकदम से यहाँ आके तभी भागा वो और बहुत सारी भेड़ें जीपें भेड़ें निकल के आई तो लगा ना जानवर इधर आ गए निकल गए तब तक मेरे से आवाज भी निकल गई हाँ सारी एक ही तरफ भागी ना वो आज आई गया आज तो सही में आई गया नहीं है और जहाँ मेरा टेंट लगा था वहीं से गुजरा हो तो वहीं से आया आप सब तो बहुत आगे तक उसको देखने गए ढूंढने गए चिल्लाते हुए गए ना उधर से जा रहा था उधर वहाँ इतना ही था इसके ही बराबर कुत्ते के ही बराबर ऐसे कलर का भी है दिखा आप लोगों ने आंखें समक हाँ मेरे भी यहाँ सामने से गुजरा ना तेजी के साथ भागा वो शेर का तीन टाइम आता है तीन टाइम होता है जैसे 9 बजे आता है एक बार तो फर्स्ट बार दूसरा बार आता है 11 बजे अच्छा तीसरा बार आता है 3 बजे शेर हाँ अभी 3 बजे थे हाँ रात का 3 बजे आता है ऐसे गुजरता है तो अभी तो निकल गया अब एक आधा एक घंटा और निकलेगा तो फिर नहीं आएगा फिर तो नहीं तो तब से तो दिन आ जाएगा नहीं आएगा 4-5 बजे तो दिन आ जाएगा ज्यादातर तो 3 बजे के लगभग ही आता है चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब रात में बड़ी मदद की आपने यहाँ पे हम क्या मदद ऊपर वालों की तेरी मदद हमारा कुछ मदद नहीं सुबह भी हो गई सुबह के 5:30 हो गए सब निकलने ठीक है हो गए 5:30 हाँ जी चलिए नमस्कार फिर मिलेंगे जरूर नमस्कार वो पास वाले भाई सबसे भी बोलेगा सुबह सुबह जल्दी निकलना हुआ तो मिलना नहीं हो पाया उनसे पर उनका फोन नंबर है मेरे पास उनको फोन कर लूंगा टेंट ला गया आप लोगों ने हाँ जी टेंट टेंट क्या टेंट ले लिया हाँ ले लिया तो वो उठ गए होंगे वो भी तो देखता हूँ अभी तो 5:30 हुए 6 बजे उठते हो हाँ जी मैं सोचा आपसे मिलके जाऊँ फिर पता नहीं था आप उठ गए या सो रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब बहुत ज्यादा ही मदद रही आपकी नहीं चाय मैं अभी एक बार ही बाद में आराम से नहा के पी लूंगा और आपने रुकने को जगह दी सब दिया खाना दिया सब चलिए आप बैठिए लेटिए नहीं नहीं वैसे चलेगा ये तो चलो निकलते हूँ फिर मिलेंगे जल्दी कभी बहुत अच्छा खा रोटी बनाया आपने दोबारा आऊँगा मैं फिर कभी यहाँ पे चलिए चाह अभी नहीं अभी चलेगा अभी निकलता हूँ बरसात रुकी हुई है ना बरसात आ जाएगी तो दिक्कत है चलिए भाई साहब नमस्कार ये एक अलग ही वर्ल्ड है ना हमारी और आपकी दुनिया से बहुत अलग
उस दुनिया से जो हम इंसानों ने क्रिएट की है उससे बहुत अलग, क्योंकि ये दुनिया उस ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया है। एक बहुत बड़े ग्रासलैंड के ऊपर बादलों के बीच में कुछ लोग रह रहे हैं, लोभ लालच से बहुत दूर। उन्होंने मुझे रुकने के लिए जगह दी, खाना खिलाया, जिसका मुझसे उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। ये लोग अपने आप को जंगली कहते हैं, पर एक्चुअली में यही लोग असली सुपर ह्यूमंस हैं, जिनकी लाइफ बहुत थ्रिलिंग, बहुत चुनौतियों से भरी हुई है। अगर मैं खुद यहाँ पर नहीं आता तो यकीन भी नहीं करता कि ऐसा भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है कि जब भी सृष्टि का निर्माण हुआ होगा वो बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही सुंदर, इतने ही रॉ फॉर्म में। तो इस वीडियो के पीछे का बेसिक थॉट क्या है कि जो दुनिया हमने क्रिएट की है, जिस दुनिया की तरफ हम भाग रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट के बाद भी हमने क्या पाया, वो है शायद इनसिक्योरिटीज। और जिस दुनिया को हम मिटा रहे हैं या बहुत हद तक मिटा चुके हैं, वहाँ हमने क्या गवाया, वो था शायद सुकून। तो बात बहुत सिंपल है, बहुत सारे पेड़ लगाइए, वृक्षों को कटने से रोकिए, अपने आसपास में ना प्रदूषण कीजिए ना होने दीजिए, और वापस से वही एक दुनिया बना लीजिए जिसे आप अपनी जेनरेशन्स को देके जाना चाहते हैं, जिसमें आप खुद रहना चाहते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन है बिनसर, जो उन अंकल की रिकमेंड की हुई दूसरी जगह है। और इसी बीच मैंने काफ़ी और लोगों से भी सुना है कि कुमाऊँ रीजन की सबसे सुंदर जगहों में से एक है बिनसर, तो वहाँ जाके देखते हैं।